हमारा अनुमान चल रहा है 72 शौदाए करबला, जिसके एपिसोड नंबर आए 58 और 59। आज हम बयान करेंगे हजरत हल्लास बिन अम्र और हजरत जुहैर इब्ने कैन के बारे में। हजरत हल्लास के बारे में रिवायात में इब्सार लैन में अलामा समामी लिखा है कि इनका जो मुकम्मल नाम है हलाल बिन अम्र रासबी, वो कहते हैं कि दरअसल रासिब जो है कबीला आजत के एक खानदान का नाम है, और इसी तरह इनके एक भाई थे हजरत हलास, इनका नाम नुमान था, नुमान बिन अम्र रासबी। इनके बारे में, दोनों भाइयों के बारे में रवायात में ये मिलता है कि जंगों में इन दोनों का नाम मौजूद है। दोनों जंगे सफीर में अमीर मोमिनीन अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम के लश्कर में शामिल थे, और हलास कूफा में अमीर मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम के सिपाही थे। और इसी तरह एक और रिवायत बयान होती है जिसमें लिखा ही जाता है कि हलास और उनका भाई नुमान उम्र साद के लश्कर के साथ करबला आए थे। जब उन्होंने देखा कि उम्र साद शरायत की मुखालफत कर रहा है, तो 8 मुहर्रम की रात उम्र साद के लश्कर से जुदा हुए दोनों भाई और इमाम के लश्कर में शामिल हो गए। आशूर के दिन हलास हमला ओला में शहीद हुए और उनके भाई नुमान हमला ओला और जोहर के दरमियान शहीद होने तक मसरूफ जहाद रहे। आगे इब्ने शहर अशोब ने लिखा है कि दोनों को हमला ओला के मक्तुलीन में शुमार किया, यानी कि दोनों हमला ओला के नमाज जोहरैन से पहले पहले दोनों भाई शहीद हुए हैं। ये थोड़ी सी रिवायत इख्तलाफ के साथ मिलती है, थोड़ा सा इख्तलाफ है इसमें। बहरहाल इन दो भाइयों का जिक्र सिर्फ तारीख की किताबों में सिर्फ इतना मिलता है, इसके अलावा तारीख दान और कुछ भी नहीं लिखा। और आज हम बयान करेंगे एपिसोड नंबर 59 में हजरत जुहैर इब्ने कैन के बारे में, कि जिन्हें जुहैर इब्ने कैन बिजली भी कहा जाता है। इनके बारे में ये रवायत मिलती है कि जुहैर बिन कैन अपने जमाने के मशहूर और मारूफ बहादुर जंगजू खतीब दानिश्वर और वफादार साथी थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दाई तरफ वाला सारा लश्कर आपके हवाले था। आपको जंग के बारे में कमाल की महारत हासिल थी। आप किसी भी वाकये को अहमियत नहीं देते थे, वाकया चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आप अपने कोलो अमल से इसकी तरफ कदम बढ़ाते थे। आपके वो खुतबे जो देखिए कि हजरत जुहैर ने मैदान करबला में खुतबे भी इरशाद फरमाया, खुतबात भी उनके मिलते हैं, जिसमें उनका इश्क, उनका जुनून, उनकी मोहब्बत जो खानदान अहले बैत मोहम्मद वाले मोहम्मद से थी वो वाजिया होती है। इसी तरह एक रिवायत में ये दर्ज मिलता है कि जब हजरत जुहैर बिन कैन बिजली इमाम हुसैन बिन अलैहिस्सलाम के लश्कर में शामिल हुए, तो उन्होंने किया क्या, वो फरमान लगे कि मैं अपनी बीवी को तलाक देता हूं, तुम लोग इसे उसके रिश्तेदारों तक पहुंचा दो, क्योंकि मुझे ये बात पसंद नहीं कि मेरी वजह से उसे कोई तकलीफ हो। और फिर हमसे कहने लगे जो उनके साथी थे उनसे कि तुम में से जो भी मेरे साथ आना चाहता है वो मेरे साथ चले, और जो नहीं आना चाहता वो जान ले कि ये मेरा आखिरी अलविदा, यानी कि इसके बाद तुमसे मुलाकात कभी नहीं होगी। जब हजरत जुहैर इब्ने कैन बिजली ने कहा कि मैं अपनी बीवी को तलाक देता हूं, तो आगे से उनकी बीवी का जज्बा सुनिए कि उनको किस कदर मोहब्बत थी मोहम्मद वाले मोहम्मद के इस घराने से। तो आसिम कूफी की रवायत के मुताबिक जुहैर की बीवी दीलम उनसे कहने लगी, आप अली मुर्तजा अलैहिस्सलाम के फर्जंद के सामने जंग करना चाहते हैं, मैं भी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी के सामने सुरखरू होना चाहती हूँ। अल्लाह अकबर। आप देखिए कि दोनों हस्बैंड वाइफ यानी शोहर और बीवी का जज्बा क्या था, किस कदर मोहब्बत थी इन्हें खानदाने मोहम्मद वाले मोहम्मद से। फिर इसके बाद जब शिमर ने तोहीन की मैदाने करबला में आके कुछ ऐसे नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए कि फिर हुआ क्या, हजरत जुहैर बिन कैन और हजरत हुर बिन यजीद रियाही ये दोनों मिलके फौज अशिया यजीदियों के जितने यजीदी थे उन पे हमला आवर हुए। दोनों मिलकर हुर बिन यजीद रियाही और हजरत जुहैर बिन कैन दोनों ने मिलकर फौज अशिया को वासले जहन्नम किया। वो एक घंटा तक, कम से कम आप अंदाजा कर सके, एक घंटा लगातार तलवारों से लड़ना कि दूसरी तरफ से खंजर भी हैं, तलवारें भी हैं, नेजे भी हैं, तीर भी हैं,
किस कदर मुश्किल है। एक घंटा तक इसी तरह लड़ते रहे। इसी दौरान हजरत हुर बिन यजीद रियाही शहीद हो गए और हजरत जुहैर जलते हुए शोले की तरह यजीदी लश्कर के दाएं और बाएं पर हमला करने लगे और कई दुश्मनों को वासले जहन्नम किया। और इसी तरह एक और रवायत बयान होती है कि हजरत जुहैर ने कूफा के 120 बहादुरों को अपनी तलवार का निशाना बनाया था और आखिरकार जामे शहादत नोशी है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, गुजारिश सिर्फ इतने कि हमारे इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी 72 शहदा की हिस्ट्री से आशना हो सके। वसलाम, खुदा हाफिज।